अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। फौज पर हमला और अफसरों के अफवाह की मनसूबाबंदी करने के इल्जाम में बहावलपुर अडियाला जेल से 5 कैदियों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मेयर नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों से मिलकर इनकलाब लाएंगे। सदर जरदारी ने 5 साल में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। तरीके इंसाफ ने पंजाब के बाद सिंध और बलोचिस्तान का रुख कर लिया। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में तब्दीली नागुजीर हो चुकी है। हैदराबाद में एमक्यूएम का जलसा। कायद एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्द कारकुनों को खौफजदा करना चाहते हैं। तौसा शरीफ में जमीयत उलमाए इस्लाम पे का सियासी कुव्वत का मुजाहरा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कौम को दहशतगर्दी की जंग से निकालना होगा। बरतानिया का इंतखाबी मुबसरीन का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया। अदमिन थॉम्पसन कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात दोनों ममालिक के लिए नहायत अहम है। सिंध में बम डिस्पोजल स्क्वाड पुलिस का अनोखा कारनामा। हेल्पर्स हसास जोन में तैनात। माहरीन वीआईपी ड्यूटीज पर मामूर। इस्लामाबाद में शौहर ने बीवी और दो बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। और मुंबई में मेट्रो ट्रेन के पहले हिस्से का अफ्तिताह। रोजाना 11 लाख लोग सफर करेंगे। कोयटा से अहम खबर है। अरबाब गुलाम अली रोड पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लश्करी रईसानी के दफ्तर पर हमला हुआ है और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कोयटा में अरबाब गुलाम आलम रोड पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लश्करी रईसानी के दफ्तर पर हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे खुदाई नूर से। खुदाई नूर, बताइएगा ये हमला किस तरह हुआ है और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है लश्करी रईसानी वो कैसे हैं? जी, ऐसा है कि लश्करी रईसानी खुद इस दफ्तर में इंतखाबी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, ताहम उसके जो इंतखाबी दफ्तर है इस पे हमला किया गया है और ये कोयटा का इलाका है अरबाब गुलाम अली रोड पर, जिसपे अब से कुछ ही देर कबल नामालूम मुसल्ला अफराद ने दस्ती बम से हमला किया गया है, जिसमें अब से थोड़ी ही देर कबल हमें बताया गया कि 3 अफराद जख्मी है, जबकि अब बताया जा रहा है कि इसमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं इस दस्ती बम हमले में। जी बहुत शुक्रिया खुदाई नूर आपका। दुनिया न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज.tv।